हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ब्रांड रीपोजिशनिंग। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि ब्रांड रीपोजिशनिंग से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, क्या रीजन होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस और इसके टाइप्स। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप ब्रांड मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट की वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है रीपोजिशनिंग। पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। जो भी मार्केट की पोजिशनिंग होती है उसका मतलब होता है कि मार्केटर जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू उसकी इमेज को, आइडेंटिटी को टारगेट मार्केट के सामने क्रिएट करता है, किसी भी ब्रांड की हो सकता है, प्रोडक्ट की या ऑर्गेनाइजेशन की। तो रीपोजिशनिंग बताता है कि इसमें क्या करते हैं हम उस आइडेंटिटी को जो कि हमने पोजिशनिंग में बनाई थी किसी भी प्रोडक्ट, ब्रांड या ऑर्गेनाइजेशन की, उसको चेंज करते हैं। मतलब कलेक्टिवली जो भी हमारे टारगेट मार्केट है उनके माइंड में हम अपनी ब्रांड की फिर से पोजिशनिंग बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं रीपोजिशनिंग। इसके एग्जाम्पल है लाइक आइडिया, वोडाफोन, मैगी, नूडल्स। तो ब्रांड रीपोजिशनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपने पहले हो सकता है एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट को कवर किया होगा, एक सेगमेंट को कवर किया होगा। फॉर एग्जाम्पल कि पहले आप सिर्फ किड्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाते थे, फिर आपको लगा कि आप बाकी लोगों के लिए भी बना सकते हैं, तो क्या हुआ ये रीपोजिशनिंग कि आपने नए मार्केट को भी कवर किया। पहले आप वुमेन्स के लिए कॉस्मेटिक बनाते थे, फिर आपने सोचा है कि मेंस ग्रूमिंग में भी आप प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, तो उनके लिए भी प्रोडक्ट्स बनाए। तो फिर ये क्या हुआ, रीपोजिशनिंग करना इसको हम बोलते हैं कि हम हमारे टारगेट मार्केट को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोडक्ट को कुछ नया कर रहे हैं, तो हमको रीपोजिशनिंग करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है कि क्या रीज़न होते हैं ब्रांड रीपोजिशनिंग के। तो फर्स्ट है नॉट टू बीट ऑफ कॉम्पिटिशन, कि जो भी कॉम्पिटिशन है हम उसको बीट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम रीपोजिशनिंग करते हैं। सेकेंड आता है सेल्स इंक्रीज बट अ स्लो पेस, जो भी हमारी सेल्स तो इंक्रीज हो रही है पर बहुत स्लोली हो रही थी, तो हमको क्या ज़रूरत है कि हम फिर से उसकी रीपोजिशनिंग करें। सेकेंड आता है क्रिएट क्लियरिटी एंड अलाइनमेंट, कि हम हमारा जो प्रोडक्ट है, ब्रांड है, उसके बारे में लोगों के माइंड में क्लियरिटी बनाना चाहते हैं, इसलिए हम रीपोजिशनिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीज वैल्यू ऑफ दी कंपनी, कि जो आपकी कंपनी की वैल्यू है उसको इंक्रीज करता है, क्योंकि आप और आपके जो प्रोडक्ट्स है या ब्रांड है उसको और इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है ब्रिंगिंग इन न्यू कस्टमर्स, कि आप नए कस्टमर्स को भी आपके लिए अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ब्रांड रीपोजिशनिंग के। तो फर्स्ट है स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिटिव पोजीशन, कि जो भी आपका कंपटीशन है उसमें आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताना चाहते हैं, आपकी पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड सेल्स, कि आप आपकी सेल्स को और इंक्रीज करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है टारगेट मार्केट, कि आप आपके टारगेट मार्केट को देखना चाहते हैं और आपके टारगेट मार्केट को भी आप इंक्रीज करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है अलाइंड टू करेंट मार्केट नीड, जो भी करेंट मार्केट की नीड है आप उसमें बने रहना चाहते हैं और उसको फुलफिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल मीडिया अटेंशन, कि आप और ज़्यादा मीडिया का अटेंशन अपनी तरफ लेना चाहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं ब्रांड रीपोजिशनिंग के। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ब्रांड रीपोजिशनिंग, जिसमें फर्स्ट है वैल्यू ओरिएंटेशन, सेकंड है सेगमेंट ओरिएंटेशन, सेलिब्रिटी ओरिएंटेशन, सिंबॉलिक ओरिएंटेशन, अप मार्केट टेक्नोलॉजी, निश ओरिएंटेशन और चेंज ऑफ इमेज ओरिएंटेशन। तो फर्स्ट आता है वैल्यू ओरिएंटेशन रीपोजिशनिंग। कोई भी ब्रांड वैल्यू को ऑफर करता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट का अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो आप उसमें क्या करते हैं, आप आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू को बनाना चाहते हैं, स्ट्रांगली इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसलिए वैल्यू रिपोजिशन इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल पेन, तो आपको पता है कि सेलो के पेन, तो उन्होंने क्या अपनी एक वैल्यू को क्रिएट किया है मार्केट में, जिससे कि हम उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जानते हैं। सेकेंड आता है सेगमेंट ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग। ये स्ट्रेटजी यूजफुल होती है जब ब्रांड को ज़रूरत होती है कि वो अपने सेगमेंट को चेंज करना चाहता है, जो भी उसके पास करेंटली है उसको, कि वो नए सेगमेंट को भी टारगेट कर रहा है। जैसे कि आपको होता है कि कोई भी ब्रांड पहले सिर्फ गर्ल्स के लिए क्लॉथ्स बनाता था, फिर वो वुमेन्स में आया, मेंस में आया, तो ये क्या हुआ, सेगमेंटेड ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग। नेक्स्ट आता है सेलिब्रिटी ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग। ये स्ट्रेटजी यूजफुल होती है जब भी ब्रांड इमेजिनरी स्ट्रेंथ को बनाता है जो कि उसके साथ एसोसिएटेड, कि हम कैसे नए सेगमेंट में इंटर कर सकते हैं, हम उसकी स्ट्रेंथ को देखते हैं, उनकी इमेज को देखते हैं, कि हम सेलिब्रिटी का यूज करके नए मार्केट में भी इजीली नए सेगमेंट में भी इंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिंबॉलिक ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग। ये स्ट्रेटेजी यूजफुल होती है। कोई भी ब्रांड स्ट्रांगली अपनी इमेज को बताना चाहता है मार्केट में अपने सिंबॉल के थ्रू और अपने मार्केट को एक्सपैंड करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल रेमंड, तो ये बताते हैं गाइड टू अ वेल ड्रेस्ड मेल द कंप्लीट मैन। मतलब ये आपको बताता है कि रेमंड्स के जो क्लॉथ है या रेमंड जो ब्रांड है वो आपको कंप्लीट मेन बनाता है। तो इन्होंने अपनी एक सिंबॉलिक पोजीशनिंग को बनाया है। नेक्स्ट आता है अप मार्केट ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग। इसका इनकी स्ट्रेटजी यूजफुल रहती है। जब भी आप पहले किसी डाउन मार्केट में थे, मतलब कि कम मार्केट को आपने टारगेट किया था या लो प्राइस मार्केट को टारगेट किया था, फिर आप कंटिन्यूसली आपके सेगमेंट को इंक्रीज करते हैं और जो अपवर्ड सेगमेंट है उसको भी टारगेट करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं पोंड्स, तो पोंड्स पहले सिर्फ पाउडर्स में आता था, अब पोंड्स के आपको बहुत सारे क्रीम्स, वाइट ब्यूटी और बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। इन्होंने क्या किया है, पहले ये डाउन मार्केट पे टारगेट कर रहे थे, फिर इन्होंने अपने मार्केट को अप कर लिया। नेक्स्ट आता है नीश ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग। ये स्ट्रेटजी यूजफुल रहती है जब भी आप नीश ब्रांड में इंटरेस्टेड रहते हैं कि आप अपने कस्टमर बेस को और कैसे बढ़ा सकते हैं और ब्रांड की अवेयरनेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि डव, तो डव ने अपने आपको, ये आपकी स्किन की स्मूथनेस के लिए और ये आपको एक क्रीमीनेस प्रोवाइड करता है, इसे अपने आपकी पोजिशनिंग और रीपोजिशनिंग की है। नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ इमेज ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग। ये आपको बताता है कि आप क्या करते हैं, आपकी जो भी इमेज है उसको चेंज करते हैं। तो ये इम्पैक्ट डालता है आप आपके मार्केटिंग मिक्स के जो भी एलिमेंट है, जो भी आप स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे थे पोजीशनिंग की, अब आप उसमें चेंजेस करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं मारुति, तो आप मारुति की बहुत सारी कारें देखते हैं। ये मारुति 800 से उन्होंने और भी न्यू कार वो हमेशा लॉन्च करते हैं और उन्होंने अपनी वैल्यू को इस तरीके से इंक्रीज किया है हर प्रोडक्ट में नई मार्केटिंग मिक्स को ऐड करके। तो ब्रांड रीपोजिशनिंग के इस वीडियो में आपने पढ़ा कि इसका क्या मीनिंग होता है, रीज़न, इंपॉर्टेंस और टाइप्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।